क्या आपको पता है कि किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो अक्सर 99, 199, 299 ऐसा ही क्यों होता है? और क्या आप जानते हो कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सैनिटाइजर्स, फिनाइल्स, ये सब में अक्सर वो लोग एड में बोलते हैं कि इट किल्स 99.99% ऑफ द जर्म्स, बट वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ये 100% जर्म्स को मारता है? ऐसा क्यों नहीं? ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स की वर्षा होने वाली है ना इस वीडियो में, कि आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 20, दुनिया की सबसे लंबी म्यूजिक कौन सी है? आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज में म्यूजिक प्ले करोगे तो आपको नोट्स को देख के तब उसे प्ले करना पड़ता है। तो कोई भी म्यूजिक का पीस जो है वो 5 मिनट में प्ले हो जाता है। बट इस दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट म्यूजिक पीस जो है उसे जॉन केज ने बनाया था, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस म्यूजिक की नोट्स को अगर आप प्ले करोगे तो आपको 639 ईयर्स, I'm not talking about day, I'm talking about 639 freaking years. Yes, fake accent. मतलब अगर आप उसे इस साल प्ले करना शुरू करोगे 2020 में, तो वो साल 2660 में जाके खत्म होगा। म्यूजिक बजा लिया मैंने, तब तक तो कैसे पॉसिबल है ये सब, पर तब भी ये म्यूजिक पीस रियली में एग्जिस्ट करता है। इस म्यूजिक को फिनिश करने में ऑलमोस्ट 640 ईयर्स लगते हैं। That's amazing. इस म्यूजिक का नाम है As Slow As Possible और ये 1987 में निकला था। फैक्ट नंबर 19, हर कंट्री में अपना अपना आइलैंड होता है। इंडिया में अंडमान निकोबार है और बहुत सारे हैं, ठीक है, पर ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा आइलैंड मौजूद है? मतलब टुकड़े 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 करके उसका जमीन मौजूद है। तो इसका आंसर है स्वीडन। आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्वीडन जो है इसमें 221,800, 2,21,800, 2,21,800 इतने आइलैंड मौजूद हैं। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन सा लैंग्वेज है? ऐसे कॉमन सेंस से लगेगा कि इंग्लिश ऐसा कुछ होगा, है ना, बट लैंग्वेज का ऑफिशियल लिस्ट देखो। मैंडरिन चाइनीज, ऑफकोर्स चाइना का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो स्टैट्स के मामले में भी वो टॉप में है, ऑब्वियस। तो मैंडरिन चाइनीज जो लैंग्वेज है ये टॉप में है 918 मिलियन स्पीकर्स के साथ। फिर आता है स्पैनिश। ये जब मैं सुना था ना स्पैनिश उतना पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है, मतलब इंडिया में कितने लोग स्पैनिश जानते होंगे, पर तब भी वर्ल्ड स्टैट्स के मामले में ये सेकंड नंबर पे आता है। देन आता है इंग्लिश, देन आता है हिंदी, देन आता है बंगाली, बंगाली के बाद आता है पोर्टुगीज, फिर आता है रशियन, जापानीज, वेस्टर्न पंजाबी, पंजाबी भी इस लिस्ट में है, मेनू की पता। फैक्ट नंबर 17, जीप, ये जो वर्ड है जीप, इससे ये जो व्हीकल है सामने आता है, तो जीप का ये जो आइडिया है ना, जीप का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो है जीप और पी, जीपी मतलब जीप, और इसका फुल फॉर्म है जनरल पर्पस व्हीकल। जी हाँ, जनरल पर्पस व्हीकल जीप, तो इसे हम लोग जीप का फुल फॉर्म या इसका मीनिंग मान सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है ना कि जो सुपर हीरो मूवीज होती है मार्वल की, वो टीनेजर्स और ऐसे जनरल वर्ल्ड को कितना इफेक्ट करती है, मतलब सब कोई उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। तो क्या है कि एक रैंडम लड़के का कान खराब था, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता था, तो उसे जब डॉक्टर ने एड दिया, मतलब वो जिसे लगाने के बाद सही सुनाई देने लगता है, ये दिया तो वो नहीं पहना। फिर उस लड़के से जब पूछा गया कि तुम ये क्यों नहीं पहन रहे हो, तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं पहन रहा क्योंकि मार्वल या फिर कॉमिक्स में सुपर हीरोज होते हैं वो ये सब नहीं पहनते, वो कूल रहते हैं। तो इस घटना के बारे में जब मार्वल ने सुना ना, तब मार्वल ने एक सुपर हीरो बनाया जो कि हियरिंग एड पहनता है, और उस सुपर हीरो का नाम है ब्लू ईयर। और ये जब लॉन्च हुआ और इसका जब एकदम तारीफ होने लगा, तब वो लड़के ने एकदम कॉन्फिडेंटली उस हियरिंग एड को पहना ताकि उसे सुपर हीरो वाला फील आए। दैट्स गजब। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, मार्वल टीम क्रिएट्स डेफ सुपर हीरो कॉल्ड ब्लू ईयर इन ऑनर ऑफ अ बॉय। फैक्ट नंबर 15, एक जितने भी उठपटांग सर्वेज होते हैं इसमें से एक ऐसा सर्वे है, पहले आप ये आर्टिकल को देखो डेली मेल का, कि आप सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कब होते हो। तो इस सर्वे के हिसाब से ना, आप हफ्ते के 7 दिन में सबसे ज्यादा हैप्पी किस डे रहते हो, और डे भी नहीं, आप डे के किस टाइम में हैप्पी रहते हो। तो सर्वे के हिसाब से इसका आंसर निकला सैटरडे, क्योंकि नेक्स्ट दिन संडे है, और वो भी नहीं, सैटरडे टाइम 7:26 PM, इस टाइम पे आप सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट रहते हो। लॉजिक काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन तब भी ये सर्वे अमेजिंग है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सैटरडे का शाम आ गया, वो रिलैक्स कर सकते हैं, इसलिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल सैटरडे को शाम 7:26 PM पे खुश रहते हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स गजब।
फैक्ट नंबर 14, एक और सर्वे के हिसाब से आप फिलाडेल्फिया सीबीएस का ये आर्टिकल देखो, इसमें लिखा हुआ 80% ऑफ द पीपल ग्रैब स्मार्टफोन विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। मतलब 80% लोग उठने के उठे देन 15 मिनट के अंदर ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। यहाँ तक ब्रश करने के पहले भी मोबाइल उठाना है। ये एक्चुअली में बहुत कोई का हैबिट होता है इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे उठ के कमेंट्स पढ़ना होता है आप लोगों का। सो आई गेस आई एम डूइंग इट राइट। फैक्ट नंबर 13, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। एंटोमोफोबिया नामक एक चीज होता है। आपको अगर कॉकरोचेस से डर नहीं लगता तो आपके घर में कोई ना कोई जरूर होगा, क्योंकि कॉकरोच को देख के मतलब पूरा डर जाता है। तो ये एक्चुअली ना एक इवोल्यूशनरी कारण होता है इसके पीछे। आप जानवरों से या फिर इंसेक्ट से दूर रहो, ये आपके सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। इसलिए आपके अंदर के जो जीन्स है उसमें कोडेड है। आप जब भी कोई सांप को देखोगे तो आपको एक लगता है नहीं बाप रे सांप, एक ऐसा फीलिंग आता है जैसे डर टाइप का आता है। तो ये डर एक्चुअली जरूरी है ताकि उसके साथ आप जाके खेलने नहीं लगो, ना तो कच करके काट दिया फिर हो गया जिंदगी। तो ये एवोल्यूशनरी कारण होता है, इसलिए ये डर होना नेचुरल है। इसी डर को एंटोमोफोबिया कहते हैं। और आप एक फैक्ट सुन के पागल हो जाओगे कि अगर कोई कॉकरोच किसी इंसान को जब टच करता है ना, तो फिर वो दूर जाकर अपने आप को साफ करता है। ह्यूमंस, ऐसा उनका रिएक्शन होता है। That's amazing. पहले लोगों को लगता था कि कॉकरोचेस में इतना दिमाग है कि वो जाके अपने आप साफ करते हैं फिर रिएक्शन देते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। असल में उनका भी एवोल्यूशनरी ही कारण है। क्या है कि ह्यूमन के जो स्किन पे ऑयल होता है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो जब किसी ह्यूमन के स्किन पर कॉकरोच टच करता है तो जाके ऑयल को ब्रेक करके अपने शरीर से हटाता है। तो ये था इसका रियलिटी। ये ऑयल इंसेक्ट्स को इरिटेशन दे सकता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे। मॉस्किटोज जो होते हैं वो डार्क कलर पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लाइक ब्लैक एंड ब्लू। जो ब्लैक ब्लू कलर है, अगर आप ब्लू या फिर ब्लैक कलर का शर्ट पहने हो तो ज्यादा चांसेस है कि मॉस्किटोज आपको काट ले। दैट्स ट्रू बट यहाँ पर ऑल आउट लगा हुआ है वैसे भी। फैक्ट नंबर 11, आप कभी भी जब एकदम पूरा ठंडा बर्फ या आइसक्रीम जब मुंह में लेते हो तो अचानक से कैसा लगता है, मतलब दांत सुन पड़ जाता है और दिमाग में एकदम करके एक लगता है। देखना आप किसी ठंडे चीज को अचानक से मुंह में लेके देखना कैसा लगेगा दिमाग में। तो टेक्निकली इस चीज को ब्रेन फ्रीज कहते हैं। तो इसका टेक्निकल नेम है स्पैन पेलोटीन गैंगलियोनियर गिर गया। अरे मतलब जो भी है, ये रियली में से कहते हैं स्पेनोफेलेटिन गैंग्लियोन्यूरालगिया। ये जब खाते हो आप तो ये जो वेन होता है उसे चिल कर देता है, आपके जो थ्रोट के पास वाले वेन्स होते हैं उसे चिल कर देता है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया के रिचेस्ट पीपल के बारे में आप जरूर सुने होंगे, इतने बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर, मतलब बिलियन में ही है अभी। तो तब भी ना बिलियन को भूल जाओ, क्योंकि ये देखो रियलिस्ट, मतलब देखो अभी आप जानना चाहते हो कि अभी इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सब आता दिमाग में। बट अगर पास्ट की बात करें ना तो ये लोग उनके इतु सा भी बराबर नहीं है, ऐसा हाल था पता है। ये देखो द वेल्दीएस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स, अगस्तस सेसर, इनका जो नेट वर्थ था वो था 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर हम लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से उसे एडजस्ट करें तो। फिर आता है जैकॉब फिगर, इनका था 400 से 500 बिलियन डॉलर्स के बीच। फिर मानसा म्यूसा, इनका था 415 बिलियन के आसपास। फिर है जॉन डे रॉकफेलर, इनका भी 253 से लेकर 400 बिलियन डॉलर्स के बीच में। और आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हो। मुझे तो इनका नेटवर्थ देख के हैरानी हो रहा है, अगस्तस सेसर। मतलब ये उस टाइम अभी के जो अमेजोन के मालिक है जेफ बेजोस, जिनका 100 बिलियन से ऊपर का नेटवर्थ है, उससे 40 गुना ज्यादा। That's really amazing, अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो। Fact number 9, अगर आप Marvel movies देखते हो तो Iron Man के बाद जो सबसे ज्यादा loved character है वो है Captain America, ठीक है, Chris Evans। तो बात ये है कि जब इनको role offer किया गया था ना शुरू में Captain America का, तब ये ना reject कर रहे थे offer को, पता है। ये एक बार नहीं, 2 से 3 बार इस offer को reject किए। पर फाइनली डायरेक्टर्स ने कुछ ज्यादा ही इन्हें बोला कि तू कर ले, तो सूट करता है कैप्टन अमेरिका में। तो फाइनली उन्होंने ऐसे ही कर दिया, मतलब चलो कर लेता हूँ, मतलब उनका माइंड बदल दिया डायरेक्टर्स ने। बाद में अभी वो डायरेक्टर्स को थैंक करते हैं कि थैंक्स मेरे को कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए। वो उनको असल में उस टाइम एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, मतलब उन्हें पब्लिक में आने पे, थिएटर में इतने लोग मुझे देखेंगे, इससे उनको डर लगता था लिटरली। वो यहाँ तक रोल निभाने के पहले एक थेरेपिस्ट के पास भी गए थे ताकि इनका दिमाग थोड़ा बैलेंस्ड रहे। लेकिन फाइनली अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके बदले और कैप्टन अमेरिका में कोई सूट कर ही नहीं सकता, है ना गाइज।
फैक्ट नंबर 8, आपको तो पता ही होगा कि डिप्रेशन जो है ये कितना सीरियस टॉपिक है, और ये स्टैट्स देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैट्स है। जो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें देखो डिप्रेशन का स्टैट्स, 30% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है उनपे, उनके चलते इनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसपे नेगेटिव इफेक्ट आता है। और बाकी स्टैट्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और पढ़ाई, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग आती होगी, ए बस रे अब नहीं होता, ये जो फीलिंग है अब बहुत हो गया, जो नहीं पढ़ना है, ऐसा जो फीलिंग आता है जो हर एक स्टूडेंट के मन में कभी न कभी आता ही होगा जब प्रेशर से वो ओवरवेल्म हो जाता है, ऐसा करीब यहाँ पर आप देख सकते हो 85% स्टूडेंट्स ने पास्ट ईयर में एक्सपीरियंस किया है, और 24% स्टूडेंट्स तो मेडिकेशन लेते हैं, दवाई लेते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स हो गया और बाकी जो डिप्रेशन पिल्स हो गया, ऐसा हालत है। और 41% स्टूडेंट्स में तो एंग्जायटी एक बिल्कुल कॉमन चीज हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जो एडुकेशन है वो कुछ तो गलत है। तो हम लोग रोज सुनते हैं कि कोटा में इसने सुसाइड कर लिया और क्या क्या, मतलब ऐसा न्यूज पढ़ाई के चलते वो भी। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है ना हाई हील्स मतलब क्या होता है? हाई हील्स मतलब लड़कियों का ये चप्पल, ओके? बट पहले के जमाने में लड़के हाई हील्स पहनते थे, जो अपर क्लास के मेन होते थे वो लोग इसे पहनते थे, उनके हिसाब से ये अपर क्लास को डिपिक्ट करता है हाई हील्स, और किंग लुईस जैसे लोग इस हाई हील्स को धारण करते थे। मतलब सोचो कितनी अजीब बात है, अगर अभी भी हाई हील्स लड़के पहनते तो कैसा, अरे बाप रे बाप। पर तब भी ये फैक्ट है कि पहले के लड़के इसे पहनते थे, दैट्स फनी। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है कि सूरज का जो लाइट होता है वो आप अगर दिन भर सूरज में ही रहोगे तो वो कैसा इफेक्ट करेगा? ये देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें इस बूढ़ी औरत का फेस देखो, क्या है कि एक ट्रक ड्राइवर थी, ठीक है? और ना आप ये सोचो कि मान लो कि आप ट्रक ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और सूरज इस तरफ है, तो डेली आप अगर सालों साल ट्रक चलाओगे तो आपका एक साइड ही सूरज को फेस करेगा और दूसरा साइड सूरज का फेस नहीं करेगा, सिंपल है। और जो लाइट सालों साल पड़ रहा है और ट्रक ड्राइवर को दिन भर चलाना ही पड़ता है, तो उससे इनका फेस देखो कैसा हो गया है। जिस साइड लाइट पड़ा था उस साइड का फेस देखो, और जिस साइड लाइट नहीं पड़ा था उस साइड का फेस देखो। और ये जो चीज है ये पूरे 28 सालों में हुआ है, क्योंकि ये 28 साल तक ट्रक ड्राइवर थी। फैक्ट नंबर 5, क्या आप स्नो वाले जगह पर गए हो जहाँ पर बर्फ बरसता है, ऐसा जगह पर गए हो? तो क्या है कि अगर आप देखो भले हम लोग बहुत जगह ट्रैवल करते हो, ये करते हो वो करते हो, बट अभी भी बहुत लोग हैं जो कि आज तक स्नोफॉल को नहीं देखे हैं, या फिर आज तक समुद्र के बीच को नहीं देखे हैं, बहुत कोई है पता है। और स्टैट्स को देखा तो बहुत कोई है, क्योंकि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नेवर सीन स्नो, मतलब 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन कभी भी स्नोफॉल, मतलब स्नो को गिरते हुए वैसे फिल्मी जगह जैसे मनाली शिमला ऐसी जगहों पर नहीं गया है। दैट्स ट्रू, अगर आप स्नोफॉल देखे हो तो आप बहुत लकी मानो अपने आप को। फैक्ट नंबर 4, आपको पता होगा कि जब पत्ते झड़ते हैं तब उनका कलर कैसा हो जाता है, और नॉर्मल में कलर ग्रीन होता है, ठीक है? तो आपको पता ही होगा कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, वो रहेगा तभी पत्ते हरे रहेंगे। तो इसका मतलब जो पत्ते गिरे हुए सूखे पत्ते आप देखते हो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें इनफ वार्म्थ सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं रहता है, इसलिए वो पत्ते झड़ने लगते हैं। मतलब सिंपल फैक्ट ये है कि ये जो वर्ड है क्लोरोफिल, एक टर्म, इसी के चलते दुनिया भर के सारे पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, और जो झड़ते हैं जो पत्ता हरा नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। फैक्ट नंबर 3, देखो जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के जो फ्लैग है, झंडे, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, हरे पीले नीले, ठीक है? हर कंट्री का अपना एक यूनिक कलर चॉइस होता है, बट आपको ये पता ही होगा कि जो पर्पल कलर है इसे रॉयल कलर माना जाता है, ठीक है? पुराने जमाने से ये मान्यता है, बट पर्पल कलर की बात करें तो सिर्फ पूरे वर्ल्ड के इतने सारे कंट्रीज में से सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिसके फ्लैग में पर्पल कलर पाया जाता है, और वो है डोमिनिका और निकारागुआ। मतलब पर्पल ये जो कलर है ये दुनिया के सिर्फ 2 फ्लैग में है, रॉयल कलर होते हुए भी। फैक्ट नंबर 2, हमिंग बर्ड जो ये बर्ड है इसका जो हार्ट बीट होता है ना वो होता है 1200 बीट्स प्रति मिनट। 1200 बीट्स प्रति मिनट मतलब कितना हो गया, 1200 / 60 कितना होगा? एक मिनट, मतलब 20 हार्टबीट प्रति सेकंड, 20 पर सेकंड, 20 पर सेकंड, व्हाट, ओह माय गॉश, इतना तेज उनका हार्ट बीट होता है। फैक्ट नंबर 1,
जो प्राइस होता है चीजों का वो हमेशा 99, 199, 299, 499, 999 ऐसा क्यों होता है? और क्या इससे एक्चुअल में सेल्स बढ़ते हैं? तो इसका आंसर है यस, सेल्स बढ़ते हैं। इसको कहते हैं ऑड प्राइसिंग, ठीक है। और ये जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है, मतलब कॉन्शियसली एंड लॉजिकली हमें ये पता होता है कि हाँ ये 199 है मतलब 200 है, बट हमें ये एक सब कॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट करता है, मतलब अनअवेयर लेवल पे ये हमें इफेक्ट करता है। मतलब मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 201 रुपए और एक प्रोडक्ट का प्राइस है 199 रुपए, तो आपको लॉजिकली ये पता है कि दोनों में बस 2 रुपए का अंतर है, बट तब भी ये आपको सस्ता लगेगा। मतलब माइंड ऐसा ही काम करता है, एक सब कॉन्शियस लेवल पर आपको ये सस्ता लगता है। और एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर 175 है और 199 है, ये क्लोज लगेगा, मतलब ये लगेगा हाँ 100 100 है, कुछ रुपए का अंतर है, ऐसा फील होगा। बट अगर एक प्रोडक्ट 175 का है, एक 201 का है, तो तब आपको लगेगा कि अरे ये 200 पार है और ये 100 कुछ है। बट वही हम लोग पीछे चले हैं तो 175 199 में लगेगा अरे कुछ रुपए का फर्क है, ले लेते हैं। किसी चीज का प्राइस अगर 49 है तो आपके मन में आएगा अरे ये 40 रुपए का है, बट असल में ये 50 रुपए से 1 ही रुपए कम है, बट आपको लगेगा कि अरे ये 40 कुछ है, 49 का है। मतलब अवेयरनेस के लेवल पे नहीं बट सब कॉन्शियस लेवल पे ये आपको इफेक्ट कर देता है। और जो एडवर्टाइजिंग का बात किया था मैं, क्लीनर ये सब, इसमें जो 99% जर्म्स को मारते हैं ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक लीगल साइड होता है, मतलब लीगल रीजंस के चलते। मतलब अगर आपका कोई क्लीनिंग कंपनी है क्लीनर से रिलेटेड, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आप अगर मेरा क्लीनर यूज करोगे तो आपके घर के 100% जर्म्स मिट जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकली और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। 99.99% से ज्यादा आप नहीं बोल सकते हो, चाहे ये दुनिया इधर से इधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, इधर कैसे होगा। मतलब आपके क्लीनर कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ ये मोस्ट जर्म्स को मार देगा, बट सबको मार देगा ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये था इसका लीगल कानूनी रीजंस, इसलिए 99.99% जर्म्स को मारता है, ये बात एड्स में ये लोग बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।